अस्सलाम वालेकुम। हेलो चुमाई व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे पापड़ी चाट। इसके लिए मैं यहाँ पे आटा ली हूँ, मैदा है ये, और गेहूं का आटा मैंने इसमें डाला है, बेसन का आटा डाल रही हूँ, और थोड़ा सा अजवाइन 1/4 TSP, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप मैदा, 1/4 कप बेसन लिया है मैंने, 1/2 TSP सॉल्ट, 1/4 TSP अजवाइन। इसको अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे। अब मैं यहाँ पे पानी डालकर आटे का एक डो बना लेती हूँ और हम इसको साइड में रख देंगे। ये हमारा पापड़ी के लिए आटा रेडी है, तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसको ढककर अच्छे से थोड़ा सा ऊपर तेल लगाकर रख देंगे। अब हम चटनी बनाएंगे, ग्रीन चटनी पापड़ी के चाट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोथमीर, पुदीना, ग्रीन चिली, लहसुन, थोड़ी सी शुगर, नमक, जीरा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम एक मिक्सचर डाल में डालकर थोड़े से रोस्टेड चना डालेंगे हम फुटाने, और इसको पीस लेंगे। मैं अब यहाँ पे दही डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी चटनी रेडी है। हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखो, ऐसी चटनी हमें चाहिए। ठीक है, अब हम चटनी को भी साइड में रख देते हैं, और मैं गैस पर एक पैन रख देती हूँ जिसमें तेल ऑयल डालकर मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। अब जो डो हमने रेडी किया था उसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, और इसको हम बेल लेंगे, छोटे छोटे पूरी के जैसे बनाएंगे हम पापड़ी बेल कर इसको। तो यहाँ पे हमारी पापड़ी बेल कर रेडी है। इसको मैं फोक से होल्ड्स कर लेती हूँ ताकि ये फूले नहीं, ये हमारी पापड़ी फ्लैट ही रहे। तो मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ पापड़ी को अच्छे से दोनों तरफ से। इसको हम क्रिस्प होने तक अच्छे से फ्राई करना है। इसका कलर ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम अच्छा सा कर लो, फिर इसको फ्राई करो। तो यहाँ पे इसका हमारा कलर ब्राउन हो गया है एक तरफ अच्छे से, दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ पे हमारी पापड़ी दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। ये देखो इसका कलर कैसे आया है, एक कुरकुरी अच्छे से हमारी पापड़ी बन चुकी है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम हमारा दही रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल में दही लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी शुगर, चीनी 2 टेबलस्पून जितनी। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। मैं अब यहाँ पे एक प्लेट ले लेती हूँ और हमारी पापड़ी को इसमें अरेंज करेंगे हम। आप 4-5 जितनी पापड़ी चाहिए आप एक प्लेट में अरेंज कर लो, इसमें डालकर। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटोस। ये पोटैटो बॉईल किए हुए हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा पापड़ी पे डाल देंगे। फिर थोड़ी सी बारीक कटी प्याज डालेंगे हम, ऑनियन। फिर थोड़े से बारीक कटे टोमेटो डालेंगे। अब हमने जो दही मिक्स करके रखा था शुगर और सॉल्ट के साथ, उसको हम ऊपर से डालेंगे। ये खट्टी मिट्टी चाट बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो अब हम हमारी ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी वो डाल देंगे इस पे। अब हम इमली की चटनी डालेंगे। आप इमली की चटनी की रेसिपी हमारे पिछले रेसिपीज में देख सकते हो। यहाँ पे मैं खारी दाल भी डाल रही हूँ इसमें, ये
अब थोड़े से सेव डालेंगे, थोड़ी सी और प्याज डाल दूंगी मैं, थोड़ी सी कोथमीर। तो यहाँ पे आप चाहो तो चाट मसाला और रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी चाट रेडी है।